गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एच एस राधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्था। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 14 अगस्त के करंट अफेयर्स की। तो देखिए, हम चलते हैं और आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, संज्ञान प्रतियोगी संस्थान चैनल को, और अपने दोस्तों को वीडियो कंटिन्यू शेयर करते रहें। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं 14 अगस्त के करंट अफेयर्स की। संज्ञान प्रतियोगी संस्थान करंट अफेयर्स बाई एच एस सर। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, अलेक्जेंडर तुकासेंको लगातार छठी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोस्तों, अलेक्जेंडर तुकासेंको को लगातार छठी बार कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है? बेलारूस। ये आपको ध्यान रखना है, बेलारूस के वो राष्ट्रपति लगातार छठी बार चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर टू, भारत ने एडो अटोल में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? तो देखिए, भारत ने एडो अटोल में क्या किया है दोस्तों, 5 इको टूरिज्म जोन विकसित करने के लिए कौन से देश की साझेदारी की है, किसके साथ पार्टनरशिप की है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, ये किसके साथ किया है? मालदीव। मालदीव के बारे में हम एक दो दिन पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ की कैपिटल है माले और करेंसी मालदीव रुपया है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो मोहम्मद सालेह यहाँ के क्या हैं दोस्तों, राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में मनीटोम्बी सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों, मनीटोम्बी सिंह का निधन हो गया है तो वो किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से किसने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है दोस्तों, ये हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने लॉन्च किया है, ये आपको पता होना चाहिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में उपराष्ट्रपति के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार चुना गया है? तो दोस्तों, अमेरिका में दो पार्टियां हैं, आप जानते ही हो, अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो तो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, और उनकी जो अपोजिट यानी जो विपक्ष की पार्टी है उसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं वो तो जो बिडन हैं, ध्यान रखना, मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट जो चुनाव होंगे उसमें जो बिडन ही अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। जो बिडन राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, और उस पार्टी से ये कौन है, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार है, और शायद ये ही उपराष्ट्रपति बन जाएगी, जिससे भारत को काफ़ी सहूलियत रहेगी, काफ़ी पॉलिसीज को लेकर के, काफ़ी जो फ्यूचर के प्लान हैं, प्लानिंग्स हैं, उनको लेकर के। तो आपको ध्यान रखना है, डेमोक्रेटिक पार्टी जो जो बिडन राष्ट्रपति के लिए चुने जाएंगे, उससे ही कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के लिए क्या किया गया है, उम्मीदवार चुना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन, अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इंटरनेशनल एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? ये 12 अगस्त को, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अगस्त को। और दोस्तों, 12 अगस्त को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जबकि दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 12 अगस्त, और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी 12 अगस्त को, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त,
जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव पर, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में YSR चायुथा योजना कौन से राज्य ने लॉन्च की है? तो दोस्तों YSR चायुथा योजना किसने लॉन्च की है? ये आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के अभी सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिचंदन। और कैपिटल अभी तो हैदराबाद है 2024 तक तो, लेकिन 2024 के बाद, क्योंकि हैदराबाद तो अब तेलंगाना में आ गया है, लेकिन 10 साल का अनुबंध हुआ था 2 जून 2014 को जब तेलंगाना बना था, तो उस समय अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए थे कि 10 वर्ष तक हैदराबाद दोनों स्टेट की राजधानी होगी, तेलंगाना की भी और आंध्र प्रदेश की। तो अब वो क्या होगा दोस्तों, 2024 में आंध्र प्रदेश में तीन राजधानियों पर अभी क्या फाइनल कर दिया गया है, तीन राजधानियां, एक अमरावती होगी, एक विशाखापट्टनम और एक कुरनूल, जिसमें से अमरावती तो क्या होगी दोस्तों, एग्जीक्यूटिव होगी यानी कार्यकारी होगी। विशाखापट्टनम क्या होगी दोस्तों? विशाखापट्टनम होगी विधायी, विशाखापट्टनम विधायी राजधानी होगी, जुडिशियली बोलते हैं जिसे, और क्या कहते हैं आपको, अच्छा विधायी नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली बोलते हैं। और कुरनूल क्या होगी दोस्तों? न्यायिक होगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अमरावती कार्यकारी राजधानी होगी और विशाखापट्टनम विधायी होगी और कुरनूल न्यायिक राजधानी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इस योजना के तहत महिलाओं को दोस्तों 4 वर्ष में 75,000 रुपये का क्या दिया जाएगा? ऋण दिया जाएगा, जिससे महिलाएं अपना खुद का काम क्या कर सकती हैं, सेटअप कर सकती हैं। हर वर्ष उनको छोटे जो कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे छोटे भाई राखी का काम है या फिर कोई भी जो छोटे काम होते हैं जैसे सिलाई वगैरह को लेकर के, इन चीज़ों को लेकर के ये योजना शुरू की गई है, जिसमें हर वर्ष 18,750 रुपये दिए जाएंगे और 4 वर्ष में 75,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, असम समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों असम समझौता कब हुआ था? 1985 में हुआ था, असम करार के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असम की बात करते हैं तो असम के जो अभी सीएम है वो एसएस सोनवाल है, असम के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी। यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है दोस्तों? यहाँ का प्रसिद्ध जो नृत्य है वो बिहू है, और यहाँ का जो प्रसिद्ध मेला अंबुबाची का मेला लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्या कहते हैं, असम में राष्ट्रीय उद्यान दो ज़्यादा फेमस हैं, एक तो है काजीरंगा जो वन हॉर्न रायनोर के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, और एक मानस है, ये राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। और आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है दोस्तों वो भी आपको ध्यान रखना है, कुचिपुड़ी, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं तो देखिए अब अन्य खबरों की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए पहली छोटी खबर है, आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। दोस्तों ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आत्मनिर्भर भारत के तहत एक स्कीम लॉन्च की गई है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं दोस्तों? जो गलियों में जो ठेला वगैरह लगाते हैं, जैसे सब्जी का ठेला है या अन्य प्रकार के जो ठेले हैं, छोटे छोटे जो काम करते हैं, उनको स्ट्रीट वेंडर्स कहा जाता है। तो इनको COVID-19 के कारण 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, और इसमें जो हाउस जो मिनिस्ट्री है, हाउस एंड अर्बन मिनिस्ट्री, यानी आपको ध्यान रखना है गृह एवं शहरी मंत्रालय ने क्या किया है, उसके तहत ये लोन दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि 5 लाख क्या आए थे, आवेदन आए थे,
जिनमें से हमने 1 लाख को फाइनली लोन देने के लिए साइन कर दिया है। ठीक है, तो आपसे ये मंत्रालय पूछा जा सकता है, तो हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट खबर की हम बात करते हैं, तो देखिए जनजातीय मंत्रालय ने 9 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय विकसित किए हैं। तो देखिए जनजातीय कार्य मंत्रालय है, उसने क्या किया, 9 जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय क्या किए हैं, विकसित किए हैं, जिनमें से 2 अभी तैयार होने वाले हैं और 2016 में ये शुरू किया गया था प्रधानमंत्री की घोषणा के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि भाई काफ़ी जनजातीय जो लीडर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने स्वतंत्रता में बहुत बढ़ करके योगदान दिया था, इसलिए ये इनके लिए भी क्या संग्रहालय बनना चाहिए। तो 2016 से अब तक अभी पूरे तो हुए नहीं है खैर, लेकिन इनमें से 2 कंप्लीट हो गए हैं, बाकी पर अभी काम चल रहा है। अच्छा, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जनजाति मंत्री कौन है, अभी जनजाति मंत्री हैं दोस्तों अर्जुन मुंडा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखिए IISER इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक एजुकेशन एंड रिसर्च, ये कहाँ पर है दोस्तों, IISER इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, ये है भोपाल में। ठीक है, इसके वैज्ञानिक हैं 2, एक का नाम है यदु और दूसरे का नाम है सौरभ। इन्होंने क्या किया दोस्तों, जैसे जो सीड होता है, बीज होता है, बीज से जो प्लांट बनता है, पौधा बनता है, तो उसके बीच, उस प्रक्रिया के बीच में एक हार्मोन होता है, एबीए हार्मोन, जो क्या करता है पौधों को, मतलब बीज से पौधा में कन्वर्ट होने में जो प्रक्रिया होती है उसको रोकता है। एबीए हार्मोन होता है जो क्या करता है, जो सीड होता है, सीड से प्लांट बनने में जो प्रक्रिया होती है उसे क्या करता है, ये रोकता है। तो इस पर काम करके इसको आसान बनाने के लिए इन्होंने काम किया है, तो ये ज़बरदस्त काम है। तो आपको ये दोनों साइंटिस्ट ध्यान रखने हैं, यदु एवं सौरभ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डेल टेक्नोलॉजी और नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन का दूसरा छात्र उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया गया है। दोस्तों डेल टेक्नोलॉजी और नीति आयोग है, इन ये दोनों मिलकर के अटल इनोवेशन मिशन AIM के तहत क्या कर रहे हैं, छात्रों को उद्यमिता कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं छात्रों के लिए। तो ये अभी दूसरा स्टार्ट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, SN5 स्टार्टशिप प्रोटोटाइप, ये खबर बड़ी है दोस्तों। जैसे हम 3-4 दिन की करंट करवाते हैं तो बड़ी खबरें कई आ जाती हैं, लेकिन आज आपको सारे क्वेश्चन भी, एक एक जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकते थे आज के, वो करवाए हैं, छोटी खबरें सारी करवाई हैं, और बड़ी एक खबर है ये भी आपको अच्छे से समझ ली। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले SN5 स्टार्टअप प्रोटोटाइप। तो देखिए हाल ही में स्पेस एक्स कंपनी के SN5 प्रोटोटाइप द्वारा पहली परीक्षण उड़ान पूरी कर ली गई है। इस प्रोटोटाइप ने 60 सेकंड से भी कम समय में 60 फीट से अधिक ऊंचाई तक उड़ान भर ली थी। तो दोस्तों ये क्या है, जो आपको स्पेस एक्स कंपनी कहाँ की है दोस्तों, ये है USA की, ये नासा की एक प्राइवेट फर्म है, जिसका इसके जो फाउंडर है स्पेस एक्स के एलन मस्क, वो ये कह रहा है कि 10-5 साल में मैं क्या करूँगा, ऐसे रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करूँगा जिससे भाई पृथ्वी से मार्स यानी मंगल ग्रह पर यात्रा करवाई जा सके, और 10-20 साल में मानव कॉलोनियाँ बसा दी जाएँ। कहाँ पर मानव कॉलोनियाँ, मार्स पर बसा दी जाएँ, मंगल ग्रह पर बसा दी जाएँ। ठीक है, मंगल ग्रह है जो, कौन से नंबर का ग्रह है दोस्तों, मंगल ग्रह है सूर्य से 4th नंबर का, भाई सूर्य के जस्ट पास में बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होती है, फिर मंगल होता है, उसके बाद जुपिटर यानी बृहस्पति होता है, फिर सैटर्न
यानी शनि होता है, फिर उसके बाद अरुण होता है यूरेनस, फिर क्या होता है वरुण यानी नेपच्यून, ठीक है। और मंगल ग्रह के जो उपग्रह हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं, डीमोस और फोबोस, डीमोस और फोबोस। तो देखिए इसने यही काम किया है, स्टारशिप प्रोटोटाइप लॉन्च किया है स्पेस एक्स कंपनी ने, जिसने 60 सेकंड में 500 मीटर 500 फीट से भी अधिक ऊंचाई को सफलतापूर्वक क्या कर लिया गया, कवर कर लिया गया। आगे हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं दोस्तों। तो देखिए यह स्पेस एक्स कंपनी के बिना चालक दल वाले मार्स शिप का हिस्सा है। यह एक स्टेनलेस स्टील परीक्षण वाहन है जिसे SN5 कहा गया है। ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, बिना चालक दल का क्या है ये मार्स शिप जो प्रोग्राम है उसका हिस्सा है। ये परीक्षण उड़ान संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिणी टेक्सास के बाको चीका नामक स्थान से की गई थी, जो अंतरिक्ष यान के कक्षीय मिशन के लिए डिजाइन किया गया स्पेस एक्स का व्यावसायिक स्थल है। तो दोस्तों अमेरिका में जो टेक्सास क्षेत्र है अमेरिका का, वहाँ पर एक जगह है बोका चिका, बोका चिका से ये क्या किया गया है, ये उड़ान भरी गई है। ये स्पेस एक्स कंपनी का जो SN5 मिशन है ये यहाँ पर छोड़ा गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टारशिप क्या है। तो दोस्तों ये स्टारशिप क्या है, स्पेस एक्स जो कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया हैवी बूस्टर रॉकेट है, ठीक है। तो देखिए स्पेस एक्स द्वारा डिजाइन किया गया स्टारशिप एक अंतरिक्ष यान एवं सुपर हैवी बूस्टर रॉकेट है, जो पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा एवं मंगल पर चालक दल एवं कार्गो के लिए पुनः प्रयोज्य परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करेगा, यानी परिवहन प्रणाली के रूप में काम करेगा। अर्थ टू मार्स, अर्थ टू चंद्रमा, ये आपको है ना मून पर भी जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए स्पेस एक्स ने स्टारशिप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण वाहन के रूप में वर्णित किया है, जिसमें पृथ्वी की कक्षा में 100 मीट्रिक टन से अधिक भार ले जाने की क्षमता है। जो पृथ्वी की जो कक्षाएं हैं ऑर्बिटर हैं उनमें 100 मीट्रिक टन तक वजन या भार ले जाने की क्षमता है। स्टारशिप स्पेस एक्स के फाल्कन प्रक्षेपण वाहन की तुलना में कम लागत में तथा अधिक दूरी तक प्रक्षेपित किया जा सकता है। इससे पहले स्पेस एक्स का इसी प्रकार का वाहन कौन सा था दोस्तों, फाल्कन प्रक्षेपण वाहन, लेकिन अब स्टारशिप बनाया है ये क्या है, स्टारशिप जो SN5 है ये उससे भी बेहतर है, लागत कम है इसमें और ये ज़्यादा दूरी तक प्रक्षेपित हो सकता है। आगे हम बात करते हैं स्पेस एक्स कंपनी का क्रू ड्रैगन कैप्सूल। आपसे पूछा जाएगा स्पेस एक्स कंपनी का क्रू ड्रैगन कैप्सूल है जो कहाँ पर उतरा था, तो मैक्सिको की खाड़ी में बामास के पास उतरा था। स्पेस एक्स कंपनी का पहले क्रू ड्रैगन कैप्सूल था जो अंतरिक्ष यात्रा करने के बाद कहाँ पर उतरा था, मैक्सिको की खाड़ी में उतरा था बामास के पास, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों ये आज का करंट अफेयर्स था जबरदस्त, आपको 10 क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं, छोटी सारी खबरें कवर की हैं और बड़ी एक खबर थी स्टारशिप को लेकर के, ये स्टारशिप SN5 ये क्या है, अंतरिक्ष प्रक्षेपण रॉकेट है जो क्या है मार्स पर, पृथ्वी से पृथ्वी की कक्षाओं में मून पर, वहाँ पर क्या परिवहन के लिए ये विकसित किया गया है। इससे पहले फाल्कन प्रक्षेपण वाहन था और एक स्पेस एक्स कंपनी का क्रू ड्रैगन भी कैप्सूल भी था दोस्तों, ठीक है। तो ये जबरदस्त करंट अफेयर्स था, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लगातार शेयर करते रहें दोस्तों। पूरा वीडियो देखा करो दोस्तों, पूरे वीडियो देखने पर ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपको ऐसा लगेगा हर चीज़ हमें आ रही है, हम हर चीज़ को सीख रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।